अरे तेरी मंकी जमुना था मेरी मंकी गंगा तेरी मंकी जमुना था बोल राजा बोल संगम। हमारे पड़ोसी मुल्क जो है दुबई सर उसके शेख लोग कुछ करे स्वीटनेस ऑफ दिवाली एंड आई लव्ड ईच एंड एवरी पीस ऑफ द मिठाई दैट आई ट्राइड द इंडियन स्वीट्स दैट आई गॉट टू एक्सपीरियंस मेरी मंकी गंगा। जो हिस्ट्री आपको ये मुझे पढ़ाई गई है हमें बताया गया है कि बाबर हमारा हीरो था अकबर हमारा हीरो था गौरी है हमारा हीरो। आपने बजायर का नाम भी गौरी रखा है लेकिन गलती से मैं बताना ये चाहूंगा कि आप गौरी नहीं है। You don't represent Gauri. इंडिया से माइग्रेट हम अमृतसर से माइग्रेट करके आए थे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा हम जो हमारी फैमिली है मैं अब उसकी तरफ नहीं जाना चाहता यानी कि अच्छे हम खाते पीते थे यहाँ आके हमें बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ी। अरे तेरी मंकी जमुना था कमतर किसी कमतर जानवर को शेर की खाल पहनाने से वो शेर नहीं बन जाता। अपनी जिबिल्लत देखें पहले 76 साल हो गए अब किस 176 साल का वेट कर रहे हैं आप। इसकी वजह ये है कि जी हिंदुओं ने बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया उनके ऊपर। अच्छा। उनकी मैशियत के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। अच्छा। हिंदुओं ने हर बड़ी पोस्ट पे वो बैठे हुए हैं। आज दुनिया हमें नहीं पूछती दुनिया को क्या वजूहत है। मिडिल ईस्ट ने भी हमें छोड़ दिया क्या वजूहत है कि इंडिया की वाह वाही होती है हर तरफ उन्हें पूजा जाता उन्हें बुलाया जाता है। हम पावर के सामने लेटने वाले लोग हैं सरेंडर करने वाले लोग हैं और आज किसके सामने सरेंडर करते हैं डॉलर के सामने। पहले आप ताकतों के खिलाफ सरेंडर करते हैं। ये दीन से दूरी है। इसराइल को ऐसे तस्लीम करने के बहाने हीले ढूंढ रहे हैं। वही ने तो कर लिया तस्लीम। हाँ जी तो ऐसे ही है बस ये मुसलमानों को बहुत नुकसान हो रहा है। आज हम अपनी वैल्यूज को तब्दील ना कर पाए हम अपने माइंडसेट को चेंज ना कर पाए हम फाइनेंशियल मतलब इंडिपेंडेंट की तरफ नहीं जा पाए। पठानों के सामने सरेंडर करते थे गोरों के सामने लेटते थे आप। आज आप किसके सामने लेट रहे हैं डॉलर के सामने लेट रहे। तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान को जहां से भी कर्जा मिले इवन के श्रीलंका भी दे रहा हूँ ना हालांकि वो खुद बैंकक्रप्ट हो चुका है पाकिस्तान जाएगा उसके पास। पोजीशन देखें तो बड़े बड़े ओहदों पे जो बैठे हुए हैं ना जितने भी बड़े डिपार्टमेंट में चाहे यूरोप है चाहे आपकी मिडिल ईस्ट है तो वो पाकिस्तानी बैठे। अच्छा तो गूगल का सीईओ कौन है माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है यूट्यूब का सीईओ कौन है ये भी गेम है ना सर। एक मिनट आइएगा सर कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी पोस्ट पे मतलब गूगल का यूट्यूब का माइक्रोसॉफ्ट का IMF का सबके जो सीईओ है या बड़े बड़े जो पोस्ट पे वो पाकिस्तानी है कैसा है पाकिस्तानी है सर कह रहे हैं पाकिस्तानी नहीं है इंडियन है ना इंडियन होंगे यूरोप के होंगे पाकिस्तानी नहीं निशान पे ये ना जाए। मैं आपको बताती हूँ ना अभी देख लेते हैं ये देखे गूगल सीईओ ये देखे सुंदर पिचाई इंडियन टीचर ठीक है यूट्यूब सीईओ ये इंटरनेशनल गेम है आप ये देखे नील वर्ल्ड कप हुआ तो क्या पोजीशन थी आप लोगों को नहीं पता क्या पोजीशन टोटल IT का जो सिटी बनना था वो दुबई में बनना था ठीक है। हम पावर के सामने लेटने वाले लोग हैं सरेंडर करने वाले लोग हैं और आज किसके सामने सरेंडर करते हैं डॉलर के सामने। पहले आप ताकतों के खिलाफ सरेंडर करते थे पठानों के सामने सरेंडर करते थे गोरों के सामने लेटते थे आप। आज आप किसके सामने लेट रहे हैं डॉलर के सामने लेट रहे। तो जब माजी हो तो मुस्तकबिल होता है चीमा साहब ये भी हमेशा जरा गौर में रखे गौर से। जो हिस्ट्री आपको या मुझे पढ़ाई गई है हमें बताया गया है कि बाबर हमारा हीरो था अकबर हमारा हीरो था गौरी है हमारा हीरो। आपने बजायर का नाम भी गौरी रखा है लेकिन गलती से मैं बताना ये चाहूंगा कि आप गौरी नहीं है। यू डोंट रिप्रेजेंट गौरी। आप सबसे पहले अपनी शिनाख्त देखें अपने तशख्स देखें हु यू आर। फॉरन हीरोज को नाम लेने से नाम रखने से आप हीरो नहीं बन सकते। किसी कमतर जानवर को शेर की खाल पहनाने से वो शेर नहीं बन जाता। अपनी जिबिल्लत देखें पहले 76 साल हो गए अब किस 176 साल का वेट कर रहे हैं आप किसका वेट कर रहे? मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं जो जहाज में बैठ के लोग कुवैत गए हैं UAE गए हैं जब आपका बर्तन नीचे से सारा फटा हुआ है उसमें पानी ऊपर क्यों मजीद डाल रहे हैं आप। जब करप्शन से पैसा रुक ही नहीं रहा इस मुल्क के अंदर उसमें मजीद $25 बिलियन
आप कहते हैं उधर कुवैत से इतने बिलियन यूएस, और पहले जो बिलियन आए हैं वो किधर गए हैं यार? वेल देख लो पहले, नीचे से तुम्हारा बर्तन जिसमें ऊपर से पानी डाल रहे हो, नीचे से सारा छल नहीं है। कोई काम करप्शन का भी तो करके देखो ना। मलक रियाज को अपने जहाजों में बिठा के तुम दुबई भेज देते हो, फिर वहां से बैठ के इंटरव्यू करा लो, फिर सौदेबाजी उनसे करते हो। मेरा मत सबसे पहले तो मैं ये मेरा क्वेश्चन मार्क है, ये किस कौम को किस ट्रक की पत्ती के पीछे लगाते हो यार? बार 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 ये क्या एक ड्रामा है मेरे, मैं बिल्कुल समझ। उधर से देखें जो आपकी सियासत क्या है, वो बिलावल भुट्टो साहब है और जरदारी साहब है, वो दुबई चले गए हैं, वो एक खातून को इंग्लैंड में प्राइवेट जहाज से बुला के सुलह कराई गई है, ये आपके सियासत के हालात। इसको आप सियासत कहेंगे? आप इसको जमहूरियत कह सकते हैं? आप अब किस चीज का इंतजार कर, 25 करोड़ लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? मैं मेरी समझ से बाहर, इनको चलाने वाले किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? किस चीज का इंतजार कर, मेरे बिल्कुल कोई समझ नहीं आ रही। अतर मनीला साहब ने एक टूटा फूटा सा बयान आज दिया है, जो इस वक्त डान पे मेरा कल था, मैंने सुबह पढ़ा है जी, मार्शाला पिछले छोड़ दो, इसका दरवाजा बंद कर। और मार्शाला तो बंद ही नहीं हुआ यार, आप कह रहे हो मार्शाला आगे नहीं आएगा, आप निकल सकते हो मार्शाला से बाहर? सलाहियत आपकी है, मैं सलाहियत के बारे में बात करना चाहूंगा। जो ब्रिटिश किसी वॉइस रॉय ने कहा था जब आजाद कर रहे थे आप लोगों को, कि ये लोग तो अपने आप को गवर्न ही नहीं कर सकते, मैं 50 साल मजीद इन पे गवर्न करना चाहिए, 1947 में किसी ने कहा था। मेरा आज आपसे क्वेश्चन, आर यू गवर्नेबल? डू यू क्वालिफाई एज टू बी कॉल्ड अ कंट्री और अ नेशन? ये जो आपके सीएसएस अफसरान जो सारे बाहर से पढ़ के गए हैं, मेरा ओपन क्वेश्चन इनसे करना चाहता हूं। According to the definition of a nation, according to the political science, do you fell into that category? Do you have any right to remain on the world's map anymore? जब आपके border आपके control में नहीं है, जब rate of law नहीं है, जब federation की कोई respect नहीं है, फिर आप क्या है? मैं आप अगली मिसाल आप देना चाहता हूँ। चीमा साहब, आज दो cricketer कराची से चल के by road आ रहे थे मुल्तान, मुझे तो खैर पता है पहले जो पास उनकी, मैंने खबर बताना चाहता हूं। वो कहते हैं हर 50 किलोमीटर के फासले पर रोक के पैसे मांगे जाते हैं, पुलिस मांग रही थी हर 50 किलोमीटर, 8,000 रुपया रिश्वत देकर वो पहुंचे हैं सखर। अब मेरा पक्का हर 50 किलोमीटर के बाद रोक के रिश्वत मांग रहे, ये भी ज्यादा नहीं था, इधर किलोमीटर बाद मांग लिया। इधर मैं इस्लामाबाद जाता हूँ चीमा साहब, इस्लामाबाद जाता हूँ, लगता है जिस तरह मैम मेरा मकसद है कि किसी वार जोन में फिर रहा हूं, हर चौक के बाद आगे पुलिस का, हर चौक के बाद आगे पुलिस का नाम, और कहता क्या डिग्गी खोल डिग्गी डिग्गी। चीमा साहब मैं मजे की बात, आपका पड़ोसी मुल्क भारत है, मैं बहुत दफा गया हूं, मैं फिर जा रहा हूं,